हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी विथ एएसके में। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम समान नागरिक संहिता पर बात करेंगे। समान नागरिक संहिता जो है, या जानते हैं, फिलहाल चर्चा में आ गया है, जो कि हमारे संविधान के उन अनुच्छेदों में है जो कि सर्वाधिक विवादित होता है। जैसे कि आप जानते हैं, या हमारे संविधान के भाग चार में अनुच्छेद 44 में दिया गया है, जिसका काफ़ी अधिक महत्व है, जो कि राज्य को समान नागरिक संहिता के निर्माण हेतु प्रयास करने का निर्देश देता है। आजकल समान नागरिक संहिता का मुद्दा जो कि है फिर से चर्चा में आ गया है, क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे अनुच्छेद 370 और राम मंदिर मुद्दे के बाद अब केंद्र सरकार अपने इसी अंतिम वायदे पर लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाह रही है। अगर आप सामाजिक न्याय और संवैधानिक इतिहास से जुड़े इस प्रसंग को समझने की इच्छा रखते हैं तो आप यह वीडियो अवश्य देखें। उम्मीद है कि यह वीडियो देख करके आपको सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों में रुचि जो है वह विकसित हो जाएगी और आप सामान्य अध्ययन जैसे बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर अपना गहरा और संतुलित नज़रिया प्रस्तुत कर सकेंगे। इतना ही नहीं, आप अपने परिवार और समुदाय में इस मुद्दे पर होने वाली चर्चाओं में भी आप कुशल नेतृत्व कर सकेंगे। तो आज हम इस टॉपिक में क्या क्या समझेंगे? इस टॉपिक में हम समझेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसके अंतर्गत प्रमुख विषय क्या हैं, जैसे कि विवाह, तलाक, गोद लेना, संपत्ति का अधिकार, इन सब के बारे में हम देखेंगे। समान नागरिक संहिता वाले पंथ निरपेक्ष देश कौन से हैं, हम भारत की स्थिति को देखेंगे। भारत में व्यक्तिगत कानूनों का इतिहास क्या है, इसको देखेंगे। भारतीय संविधान और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या प्रतिक्रिया है, उसको देखेंगे। हम भारत के संविधान निर्माता B.R. अंबेडकर पर अंबेडकर की टिप्पणी देखेंगे, उन्होंने समान नागरिक संहिता पर टिप्पणी क्या की है, और इससे हम संभावित लाभ देखेंगे। और जो हमारी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, जिन्होंने यह नोटिफिकेशन दिया है, उसका समर्थन में क्या तर्क है, इस पर भी बात करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं इस मुद्दे पर, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। पहले हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। जैसा कि यहाँ पर आपको पेपर की कटिंग में दिख रहा होगा, तो क्या है समान नागरिक संहिता? तो समान नागरिक संहिता जो है, दरअसल एक देश एक कानून की विचारधारा पर आधारित है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत देश के सभी धर्मों और समुदायों के लिए एक ही कानून लागू किए जाना, यह इनकी विचारधारा है। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड में संपत्ति के अधिग्रहण और संचालन, विवाह, तलाक और गोद लेना आदि को लेकर के सभी के लिए एक समान कानून बनाया जाना है, इसी पर यह विवाद चालू है। क्यों आवश्यकता पड़ी? अगर हम देखें तो यह जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है? भारतीय संविधान के मुताबिक अगर हम बात करें तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसमें सभी धर्मों और संप्रदायों जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध आदि जो भी हैं धर्म, इनको मानने वाले अपने अपने धर्म से संबंधित कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। जैसे कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले में एक अधिवक्ता जो सोनवाल थे, उनके अनुसार अगर हम बात करें तो भारत में दो प्रकार के पर्सनल लॉ हैं। पहला है हिंदू मैरिज एक्ट 1956 में जो आया था, जो कि हिंदू, सिख, जैन व अन्य संप्रदायों पर लागू होता है। दूसरा मुस्लिम पर्सनल लॉ, जिसको मुस्लिम धर्म को मानने वालों के लिए लागू होने वाला कानून कहा जाता है। ऐसे में जबकि मुस्लिमों को छोड़ करके अन्य सभी धर्मों और संप्रदायों के लिए भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत बनाया गया हिंदू मैरिज एक्ट जो 1956 में लागू हुआ है, वह मुस्लिम धर्म के सिवाय अन्य सभी धर्मों पर लागू होता है। तो इन्हीं के संदर्भ में आपको देखना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर हमने टॉपिक बता दिया, अब उन टॉपिकों पर आपसे बारी बारी से हम चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर PDF के माध्यम से आप देख रहे हैं, समान नागरिक संहिता क्या है, व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो भारत के विधि आयोग लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने देश के तमाम धार्मिक संगठनों से समान नागरिक संहिता को लेकर के सुझाव मांगे हैं और वह सुझाव 30 दिनों के अंदर आमंत्रित किए गए हैं। आयोग द्वारा एक आधिकारिक ईमेल आईडी जारी की गई है, जो कि आपके सामने विजिबल हो रही है। यहां से आप इस ईमेल आईडी को नोट कर सकते हैं। अगर आप किसी धार्मिक संगठन
या कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव भेजना चाहते हैं तो इस ईमेल आईडी पर अपने सुझाव भेज सकते हैं। और जो हमारी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है या सुझाव देने वाले संगठन या व्यक्ति से विस्तार से चर्चा के लिए उनको आमंत्रित भी कर सकता है। विधि आयोग द्वारा समान नागरिक संहिता को लेकर के जब से यह सुझाव आमंत्रित किया गया है तब से ही इस पर फिर से बहस शुरू हो गई है। तो आइए हम समझते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। तो हम देखते हैं भारत में जो हमारी यह यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो यह हमारे भारत में यह प्रस्तावित एक नागरिक विधान है जिसको समान नागरिक संहिता कहा जाता है। यह समान आचार संहिता का जो अर्थ है यह पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर देश के रूप में लगाया जाता है। तो समान नागरिक संहिता यानी समान आचार संहिता का जो अर्थ है एक पंथ निरपेक्ष कानून होता है जो सभी पंथ के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो अलग अलग पंथों के लिए अलग अलग सिविल कानून ना होना ही समान नागरिक संहिता की मूल भावना है। समान नागरिक कानून से अभिप्राय कानूनों के ऐसे समूह से है जो देश के समस्त नागरिकों चाहे वह किसी पंथ क्षेत्र से हों उन सभी पर लागू होता है या किसी भी पंथ जात के सभी निजी कानूनों से ऊपर होता है। जैसा कि आप जानते हैं 1930 में हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इन्होंने एक बार समान नागरिक संहिता पर अपना विचार व्यक्त किया था लेकिन उन्हें वरिष्ठ नेताओं द्वारा विरोध का सामना करना पड़ा था। आगे हम देखते हैं जैसे कि हमने बताया इसके अंतर्गत जो विषय आते हैं उनमें व्यक्तिगत कानून आते हैं जैसे कि संपत्ति के अधिग्रहण का कानून और उन पर संचालन का अधिकार, विवाह का मुद्दा हो गया, तलाक और गोद लेने का मुद्दा हो गया। अब हम आगे देखते हैं समान नागरिकता संहिता वाले पंथ निरपेक्ष देश कौन कौन से हैं। तो विश्व के अधिकतर जो आधुनिक देशों में हैं वे इस कानून को लागू करते हैं। तो समान नागरिक संहिता वाले जो संचालित पंथ निरपेक्ष देश हैं उनमें से आपको अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट जैसे कई देश हैं जिन्होंने समान नागरिक संहिता लागू किया है। आप हमारे पड़ोसियों में पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी देख सकते हैं इन्होंने भी अपने यहाँ समान नागरिक संहिता जो है कानून उसको लागू किया है। लेकिन हमारे भारत में इस पर काफ़ी चुनौतियाँ पेश होती हैं जिससे यह अभी तक लागू नहीं हो पा रहा है। अब केंद्र सरकार की मंशा क्या है यह हम आपको आगे दिखाते हैं। अगर हम भारत की स्थिति देखेंगे इस कानून पर तो भारत में समान नागरिक संहिता कानून अभी तक लागू नहीं है बल्कि भारत में अधिकतर निजी कानून धर्म के आधार पर तय किए गए हैं। हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध के लिए एक व्यक्तिगत कानून है जबकि मुसलमान संप्रदाय के लिए और ईसाइयों के लिए अपने अलग कानून हैं। मुसलमानों का जो कानून है वह शरीयत पर आधारित है। अन्य धार्मिक समुदायों के कानून भारतीय संसद के संविधान पर आधारित हैं। अभी तक हमारे भारत के सिर्फ गोवा राज्य में जो हमारी यह यूनिफॉर्म सिविल कोड है यह लागू है और अन्य राज्यों में यह प्रक्रिया अभी चालू नहीं हुई है। भारत में व्यक्तिगत कानूनों का अगर आप इतिहास देखेंगे तो भारत में यह विवाद ब्रिटिश काल से ही चला आ रहा है। अंग्रेज मुस्लिम समुदाय के निजी कानूनों में बदलाव करके उनसे दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते थे। हालांकि विभिन्न महिला आंदोलनों के कारण मुसलमानों के निजी कानूनों में थोड़ा बदलाव हुआ था। इस प्रक्रिया की शुरुआत जो है 1882 के हेस्टिंग्स योजना से इसकी शुरुआत हुई थी और अंत जो है यह शरीयत कानून के लागू होने पर ख़त्म हो गई। हालांकि जो समान नागरिकता कानून है उस वक्त कमज़ोर पड़ने लगा जब तथाकथित सेकुलरों ने मुस्लिम तलाक और विवाह कानून को लागू कर दिया। 1929 में आप जानते हैं जमीयत उल उलेमा ने बाल विवाह रोकने के लिए मुसलमानों को अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने की अपील की। इस बड़े अवज्ञा आंदोलन का अंत जो है उस समझौते के बाद हुआ जिसके तहत मुस्लिम जजों को मुस्लिम शादियों को तोड़ने की अनुमति दी गई। 1943 में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए बने कानून में औपनिवेशिक काल के कानूनों में संशोधन किया गया। अगर हम आगे देखें तो इस कानून के कारण धर्मनिरपेक्ष और मुसलमानों के बीच खाई और गहरी हो गई।
वहीं कुछ मुसलमानों ने बदलाव का विरोध भी किया और दावा किया कि इससे देश में मुस्लिम संस्कृति ध्वस्त हो जाएगी। अब हम आगे देखेंगे भारतीय संविधान और समान नागरिक संहिता में जो हमारे संविधान निर्माता बी आर अम्बेडकर थे उनका विचारधारा क्या थी। तो उन्होंने कहा था, मैं व्यक्तिगत रूप से समझ नहीं पा रहा हूँ कि किसी धर्म या मजहब को यह विशाल व्यापक क्षेत्राधिकार क्यों दिया गया है। ऐसे में तो धर्म जीवन के प्रत्येक पक्ष पर हस्तक्षेप करेगा और विधायिका को उस क्षेत्र पर अतिक्रमण से रोकेगा। यह स्वतंत्रता हमें क्या करने के लिए मिली है? हमारी सामाजिक व्यवस्था असमानता, भेदभाव और अन्य चीज़ों से भरी है। यह स्वतंत्रता हमें इसलिए मिली है कि हम इस सामाजिक व्यवस्था में जहां हमारे मौलिक अधिकारियों के साथ विरोध है वहां हम सुधार कर सकें। यह हमारे बी आर अम्बेडकर के सुझाव थे, लेकिन इनका कड़ा विरोध किया गया था। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, यह जो सिविल कोड दिया गया है समान नागरिक संहिता का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में है, जो कि हमारे राज्य को दिशा निर्देश देता है कि हमारे राज्यों में समान नागरिक कानून लागू करना हमारा लक्ष्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार समान नागरिक संहिता लागू करने का दिशा निर्देश केंद्र सरकार के विचार जानने से पहल में ला चुका है, लेकिन इस पर अभी भी कोई विचार नहीं किया गया। अब जा करके जो हमारा ला कमीशन ऑफ इंडिया है उसने यह सुझाव दिया है, जिस पर अब विचार विमर्श होना शुरू हो गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखेंगे तो जिस तरीके से जब हमारे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता शब्द को समाहित किया गया था हमारी प्रस्तावना में, इससे यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय संविधान का उद्देश्य भारत के समस्त नागरिकों के साथ धार्मिक आधार पर किसी भी भेदभाव को समाप्त करने के लिए यह प्रस्तावना में बदलाव किया गया है। लेकिन वर्तमान समय तक समान नागरिक संहिता के लागू ना हो पाने के कारण भारत में एक बड़ा वर्ग अभी भी धार्मिक कानून की वजह से अपने अधिकारों से वंचित है। मूल अधिकारों में देखेंगे तो विधि के शासन की जो अवधारणा अभी विद्यमान है, जिसके अनुसार सभी नागरिकों हेतु एक समान विधि होनी चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग अपने मूलभूत अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। इस प्रकार समान नागरिक संहिता का लागू ना होना एक प्रकार से विधि के शासन और संविधान की प्रस्तावना का उल्लंघन है। सामाजिक संस्कृति के सम्मान के नाम पर किसी भी वर्ग की राजनीतिक समानता का हनन करना संविधान के साथ साथ संस्कृति और समाज के साथ भी अन्याय है, क्योंकि प्रत्येक संस्कृति तथा सभ्यता के मूलभूत नियमों के तहत महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन समय के साथ इन नियमों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके असमानता उत्पन्न कर दी जाती है। अब हम समान नागरिक संहिता से जो संभावित लाभ हो सकते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, अलग अलग धर्मों के अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ बढ़ सकता है। आप देख ही रहे हैं हमारी न्यायपालिका के पास कितने केस पेंडिंग में पड़े हैं। समान नागरिक संहिता लागू होने से इस परेशानी से निजात मिलेगी और अदालतों में वर्षों से पड़े लंबित मामलों के फैसले जल्द होंगे। सभी के लिए कानून में एक समानता से देश में एकता भी बढ़ने की जो है काफ़ी उम्मीद है। जिस देश में नागरिकों में एकता होती है वहाँ किसी भी प्रकार का वैमनस्य नहीं होता है, वह देश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ता है। देश में हर भारतीय पर एक समान कानून लागू होने से देश की राजनीति पर भी असर पड़ेगा और राजनीतिक दल जो वोट बैंक वाली राजनीति करते हैं वे नहीं कर पाएंगे और वोटों का ध्रुवीकरण जो है वह नहीं होगा। जैसा कि आपको ज्ञात है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा साहबानों मामले में अपने दिए गए एक निर्णय को तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने धार्मिक दबाव में आकर के संसद के कानून के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया था। समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में भी सुधार आएगा। अभी भी कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम लागू होंगे। धार्मिक रूढ़ियों की वजह से
समाज के किसी वर्ग के अधिकारों का हनन रोका जाना चाहिए, साथ ही विधि के समक्ष समता की अवधारणा के तहत सभी के साथ समानता के व्यवहार करना चाहिए। वैश्वीकरण के वातावरण में महिलाओं की भूमिका समाज में महत्वपूर्ण हो गई है, इसलिए उनके अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता में किसी प्रकार की कमी उनके व्यक्तित्व तथा समाज के लिए अहितकर है। सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति पर समान अधिकार और मंदिर प्रवेश के समान अधिकार जैसे न्यायिक निर्णयों के माध्यम से समाज में समता हेतु उल्लेखनीय प्रयास किया है। इसके लिए सरकार और न्यायालय को समान नागरिक संहिता को लागू करने के समग्र और गंभीर प्रयास करने चाहिए। अब हम समान नागरिक संहिता के विषय में जो हमारे विधि आयोग के विचार हैं समर्थन में उसको देखते हैं। तो विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में समान नागरिक संहिता से संबंधित मुद्दों के समग्र अध्ययन हेतु एक विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग ने कहा कि समान नागरिक संहिता का मुद्दा जो है यह मूल अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 और 25 के बीच द्वंद है, इस द्वंद से यह प्रभावित हो जाएगा। आयोग ने भारतीय बहुलवादी संस्कृति के साथ ही महिला अधिकारों की सर्वोच्चता के मुद्दे को इंगित किया है। पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा की जा रही कार्यवाहियों को ध्यान में रखते हुए विधि आयोग ने कहा कि महिला अधिकारों को वरीयता देना प्रत्येक धर्म और संस्थान का कर्तव्य होना चाहिए। विधि आयोग के विचार अनुसार अगर देखेंगे तो समाज में असमानता की स्थिति उत्पन्न करने वाली समस्त रूढ़ियों की समीक्षा की जानी चाहिए, इसीलिए सभी निजी कानूनों को प्रक्रियाओं को संहिताबद्ध करने की आवश्यकता है, जिससे उनसे संबंधित पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी तथा सामने आ रही जो विचारधाराएं हैं उन पर वैश्विक स्तर पर प्रचलित मानवाधिकारों के दृष्टिकोण से सर्वमान्य व्यक्तिगत कानूनों को वरीयता मिलनी चाहिए। लड़कों और लड़कियों की विवाह की जो 18 वर्ष की आयु को न्यूनतम मानक के रूप में तय करने की जो सिफारिश की गई थी, जिससे समाज में समानता स्थापित की जा सके। जैसा कि आप जानते हैं यह किसी भी पंथ जात के किसी सभी निजी कानूनों से यह कानून ऊपर होता है, तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। समान नागरिक संहिता वाले जो पंथ निरपेक्ष देश हैं उनके विचार भी आपने देख लिए। अमेरिका, आयरलैंड और हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और बांग्लादेश में यह जो संहिता है लागू की गई है, लेकिन अभी तक हमारे भारत में यह विवाद का मुद्दा बना रहता है। तो आप समान नागरिक संहिता के बारे में इस लेक्चर से क्या सीखे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। Thank you.